हेलो, नमस्ते। क्या हाल चाल आप सब लोगों के? मेरी आवाज़ बदली हुई है, मुझे तो हो गया जुकाम। मैंने कहा था मुझे होने वाला है, आई गॉट दैट। ओके, तो मैं आई वाज जस्ट रीडिंग सम आर्टिकल अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल, जो मैं हमेशा पढ़ती रहती हूँ। तो मुझे उसमें से एक चीज़ दिखी कि आप अगर कोई चीज़ बराबर रोज़ बोलते रहते हैं, अच्छा या बुरा हो वट एवर, तो आपको वैसी चीज़ें होने लगती हैं, वैसी चीज़ें दिखने लगती हैं। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली लाइक ट्रूथ है ये, मतलब इससे बड़ा कोई सच नहीं है। जब मैंने अपनी आई वाज सपोज टू बाय BM, जब मैं लेने वाली थी, तो उसका जो कलर था वो बहुत डिफरेंट कलर था। एंड पूरे इंडिया में वो जो संडेड कार्स हैं, जो एक लिमिटेड सीरीज़ में वो आई थी, तो जब मैंने वो बुक की थी, तो वो कलर मुझे हर जगह दिखना शुरू हो गया था। इसके पहले जब सियास था, तो सियास का वो चॉकलेटी ब्राउन कलर वो मुझे हर जगह दिखना शुरू हो गया था। तो मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली आपका ध्यान जिस जगह पे चला जाता है, तो जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, अगर आप उस पर ध्यान देते हैं, तो वो आपको हर जगह दिखता है। एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो जो चीज़ें बोलती आई हूँ ना अब तक, यार ये तो हो ही जाएगा, मुझे नहीं पता कैसे पर हो ही जाएगा। लेटर और सूनर वो सारी चीज़ें हुई हैं। पर शायद ऐसा होता है कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, हमारी जो लाइफ होती है, हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हम शायद उसमें वो ये सब चीज़ें हम भूल जाते हैं कि अननोइंगली हमारा, हम जो कहते रहते थे, जिन चीज़ों पे हमें पता भी नहीं था ये एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो काम कर रही होती हैं, उन वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो भी काम कर रहा होता है। एंड हम भूल जाते हैं कि पहले किस कॉन्फिडेंस के साथ हम कौन सी क्या चीज़ें बोल देते थे। और आई थिंक शायद इसलिए ये सब इसलिए होता है बिकॉज डेली लाइफ का जो प्रेशर है लोगों के ऊपर, कंपटीशन है, एक रेस है, सबको ज़िंदगी में अच्छा करना है, तो उसमें शायद हम जो हमारे बेसिक रूल्स हैं लाइफ के, वो हमारे दिमाग से स्किप हो जाते हैं एंड हम और 50 नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं। लेकिन ये दिस इज़ समथिंग कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मेकिंग अ विश लिस्ट, जिसमें विजुअलाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दिस इज़ ऑल समथिंग जो लोग ये करते हैं या जिन्होंने इससे रिजल्ट इनको मिला है, दे ओनली कैन टेल यू, और मे बी दे कांट इवन एक्सप्लेन इट, बिकॉज वो ये कि जिसने किया वो ही जानता है। तो मुझे याद है मैं सबको हमेशा ऐसे कहती थी कि मैं बस कहती रहती तो मेरे काम हो जाते हैं। एंड फिर मुझे जब ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाउ द यूनिवर्स वर्क समझ में आया, मैंने कहा यार ये एक्चुअली सही है, मैं भी तो यही करती थी। जैसे हम सबकी विश लिस्ट होती है, वट एवर इज योर विश लिस्ट, है ना, जस्ट मेक अ विश लिस्ट, कुछ नहीं करना आपको। एंड इफ़ यू हैव दैट फेथ कि ये मेरी विश लिस्ट है और ये काम मेरे होने चाहिए और ये मेरे हो जाएंगे, तो लेटर और सूनर दिस विल वर्क। हाँ, पर ऐसे नहीं है कि आप पता चला मंत्र जाप की तरह उसको बोल तो रहे हैं लेकिन आप एक्शन नहीं कर रहे हैं ना। अगर आप उसको बोलते भी रहेंगे ना, है ना, एक एक पॉजिटिव उसमें, तो धीमे 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 वो भी होता चला जाएगा। मतलब एक्शन तो करने ही हैं, बाकी आप बोलते रहो। हम जब भगवान जी की पूजा भी करते हैं, तो हम डेली पूजा करते हैं, है ना, हम डेली मंत्रों का जाप भी करते हैं या जो भी आप पाठ करते हैं वो करते हैं, एंड गॉड को बोलते हैं कि यू नो दिस इज़ द प्रॉब्लम, हेल्प अस, और जो भी। लेकिन साथ ही साथ हम एक्शन भी करते हैं, तो एक्शन तो रिक्वायर है, बट ये है कि अगर आपका फेथ है और आप बोलते जा रहे हैं कोई चीज़ बराबर, तो आपके सामने रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। एंड बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलूँ, अगर आप दुनिया भर की डेफिनेशन और बुक्स और इन सबको साइड पे रख दो, तो प्रेयर्स और आपके एक्शन दोनों मिलके जब काम करते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। आई मीन दैट्स वॉट हैज़ हैपन्ड विद मी एंड actually happening with me, इतनी सी घड़ी थे बस। तो बना लो अपनी विश लिस्ट, जो भी आपकी विश लिस्ट है, बट एक तो रीजनेबल होनी चाहिए, है ना, ऐसे नहीं मतलब कुछ भी लिख दो उसमें, रीजनेबल होनी चाहिए। और हैव फेथ इन दैट, जस्ट कीप सेइंग, पता नहीं कब कहाँ जबान पे आपकी सरस्वती बैठ जाए और काम हो जाए, है ना। चल बाय।